आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का मतदान हो चुका है। मतगणना 3 दिसंबर 2023 को आरंभ होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दंडाधिकारी, जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल के द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी। 6 से 6:30 बजे तक कर्मचारी प्रवेश करेंगे। 6:30 बजे के लगभग अभिकर्ताओं को, जो निर्वाचन अभ्यर्थी हैं उनके अभिकर्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा। 7 बजे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और 8 बजे आरंभ होगी मतगणना। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती 8 से 8:30 बजे के लगभग होगी और उसके बाद 8:30 बजे के बाद ईवीएम से गिनती आरंभ होगी। सिवनी विधानसभा में 310 पोलिंग, माफ कीजिएगा, बरघाट विधानसभा में क्षेत्र में 310 पोलिंग बूथ हैं। 2 हॉल, 18 टेबल, 3 टेबल डाक मतपत्र की रहेंगी। सिवनी विधानसभा में 336 पोलिंग बूथ उनके द्वारा बताए गए और एक कक्ष, बड़ा कक्ष है जिसमें 21 टेबल लगेंगी और 6 पोस्टल बैलेट के लिए 6 टेबल लगाई जाएंगी। 353 पोलिंग बूथ हैं केवलारी विधानसभा में, जहां 3 कक्ष होंगे और 21 टेबल लगाई जाएंगी। इसके साथ ही 4 टेबल लगाई जाएंगी डाक मतपत्रों के लिए। सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ 407 हैं लखनादौन विधानसभा में। इसके लिए 2 हॉल, बड़े हॉल हैं जिन हॉल में उनकी मतगणना की जाएगी। 21 टेबल वहाँ लगाई जाएंगी और 3 टेबल होंगी डाक मतपत्रों के लिए। क्षितिज सिंघल के द्वारा बताया गया, जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी भी दी कि उनकी कोशिश है कि पोस्टल वैलेट में 500 से ज़्यादा पोस्टल वैलेट किसी भी एक टेबल पर ना गिने जाएं। राउंड के बारे में, कितने राउंड मतगणना होगी, उनके द्वारा बताया गया कि सबसे ज़्यादा राउंड 20 राउंड लखनादौन में होंगे। इसी तरह 16 राउंड के लगभग सिवनी में, 17 राउंड के लगभग केवलारी में और 17 से 18 राउंड बरघाट में विधानसभा की मतगणना के लिए होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंघल के द्वारा ये भी बताया गया कि इसमें किस गेट से, किस द्वार से किसे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और मीडिया सेंटर में किस तरीके की व्यवस्थाएँ होंगी। इस बार जिला पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी दोनों ने संयुक्त रूप से ये जानकारी दे के पॉलिटेक्निक परिसर में आम जनता का प्रवेश वर्जित रहेगा। आम जनता वहां नहीं प्रवेश कर पाएगी। बाहुबली चौराहा, नगरपालिका, छिंदवाड़ा चौक, इन 3-4-5 जगहों पर लाउड स्पीकर्स लगाए जाएंगे, जहां राउंड वार बताया जाएगा कि कितने राउंड, किस राउंड में मतगणना के बाद क्या स्थिति है, ये बताया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लाइव अपडेट्स चलते रहेंगे। मीडिया को उनके द्वारा बताया गया कि पार्किंग की व्यवस्था पॉलिटेक्निक के खेल के मैदान में होगी, जहां पर सभी अपने वाहन पार्क, अभिकर्ता और मीडिया पर्सन्स, अधिकारी अपने वाहन पार्क कर सकेंगे। आम जनता इसके पहले पॉलिटेक्निक मैदान तक पहुंच जाती थी, पर इस बार चाक चौबंद प्रबंध होंगे जिनके चलते पॉलिटेक्निक मैदान में शायद ही कोई प्रवेश कर पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से जानकारी यहां पर दी गई। मीडिया पर्सन्स के लिए भी उनके द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जानी है, वे सुविधाओं के, उन सुविधाओं के बारे में उनके द्वारा यहां पर बताया गया। आइए हम सुनते हैं पत्रकार वार्ता में क्या कहा गया जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल और जिला पुलिस अधीक्षक दोनों के द्वारा। पोस्टल बैलेट की टेबल भी हमने इस प्रकार से रख ली है कि किसी भी प्रयास किया है कहीं पर भी 500 से ज्यादा पोस्टल बैलेट ना हो पाए, किसी में है भी तो 10-20 ऊपर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि काउंटिंग हमारी समय से जो समय पर पूरी हो सके। यू की काउंटिंग भी आप देखेंगे कि हमने सभी में टेबल्स बढ़ा दी है ताकि काउंटिंग हमारी समय से खत्म हो सके। हमारे चारों विधानसभा 300 से ऊपर पोलिंग स्टेशन रखते
तो चाहे नंदौर हो, दिल्ली और देवलाली, उन्होंने इंग्लिश जितनी टेबल है बालाघाट में उनसे पहले भी उन्हें हमें कम्फर्टेबली वहाँ पर तो हमने 18 टेबल है। तो मैक्सिमम हमारा जो रिजल्ट है वो 20 राउंड तक जाएगा तो नंदौर के लिए। बाकी जो विधानसभाएं हमारी जो केवलारी के जैसे सिवनी है वो 16 राउंड में कवर होनी है, हमारी केवलारी जो है वो 17 राउंड में कवर होनी है, लगभग 17 से 18 राउंड में हमारे बालाघाट भी कवर हो जाएगी। क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है तो 3 राउंड में पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग भी जैसा मैंने बताया सुबह 8 बजे शुरू होके और पैरेलल में चलती रहेगी। जैसा पहले होता था कि जब तक पोस्टल बैलेट की कंप्लीट नहीं होती थी तो आखिरी राउंड मशीनों का नहीं होता था, वो अब व्यवस्था आयोग से खत्म कर दी गई है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अपना स्वतंत्र रूप से चलती रहेगी और मशीनों को अपने स्वतंत्र रूप से चलती रहेगी। हमारा प्रयास ये है कि हम क्योंकि इसके बाद एक बार मशीनों की काउंटिंग होने के बाद हम लोगों को वीवीपैट की स्लिप की काउंटिंग करनी होती है मैंडेटरी, 5 पोलिंग बूथ की रैंडमली हम लोग किट उठा के अभ्यर्थियों के सामने की जाती है। जब सारी मशीनों की काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद 5 मतदान केंद्र कैमरे वगैरह मैं सभी विधानसभाओं में कॉमन है तो मैं क्लियर कर दूँ, हर विधानसभा के जो काउंटिंग ऑन है सबको कवर किया गया है, पूरे परिसर को जहाँ से मशीनें लाएंगे जाएंगे जाएंगे वो पूरा सीसीटीवी से कवर हुआ ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई घटना है कोई भी चीज हो वो सीसीटीवी नजर से ना आ जाए। पूरा जो परिसर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो वो हमारा पूरा सीसीटीवी से कवर हो जाए। बरघाट में ऐसा होगा 310 पोलिंग स्टेशन, 2 हॉल, 18 सीयू की टेबल है और 3 हमारी पोस्टल बैलेट। सिवनी में हमारे 336 मतदान केंद्र हैं, एक ही मतगणना कक्ष है क्योंकि बड़ा कक्ष है सिवनी का उसमें 21 हमारी टेबल रहेंगी सीयू की और 6 हमारी टेबल रहेंगी पोस्टल बैलेट की। केवलारी में 353 मतदान केंद्र हैं तो उसमें 3 हमारे कक्ष हैं क्योंकि वो कक्ष थोड़े छोटे हैं और 3 कक्षों में एक में हमारे 4 पोस्टल बैलेट की काउंटिंग टेबल रहेंगे और बाकी जैसे पूर्व में भी रहा है पॉलिटेक्निक जो हमारा कॉलेज है वहाँ पर भी हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है, वही हमारी मशीनें रखी हुई हैं और वही पर हमारे काउंटिंग हॉल की वही कनेक्ट है। साथ ही जो हमारे डाक मतपत्र हैं जो कि अभी ट्रेजरी में रखे हुए वो भी कल हम लोग वही पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे और डाक मतपत्रों की काउंटिंग भी जो कि वही होनी होनी काउंटिंग हॉल में तो वहाँ पर उसको काउंट किया जाएगा। परसों सुबह 21 तारीख को हमारी जो एंट्री है कर्मचारी सुबह 6 से 6:30 के बीच में एंटर करेंगे, फिर काउंटिंग एजेंट 6:30 बजे से निर्वाचन जो अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थी और उनके जो निर्वाचन कार्यकर्ता है वो भी 6:30 से एंट्री करेंगे और उसके बाद हम 7 बजे अपने स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे और स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के बाद 8 बजे से काउंटिंग हमारी शुरू होगी। काउंटिंग का जो प्रक्रिया है वो आप सबको बताइए कि हम जैसे सुबह 8 बजे पहले हम लोग डाक मतपत्र की काउंटिंग करते हैं पोस्टल बैलेट और उसके आधा घंटे बाद 8:30 बजे से कंट्रोल यूनिट की जो ईवीएम काउंटिंग जो है वो एक बार मैं विधानसभा बार आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे बालाघाट विधानसभा में आपको पता है 310 मतदान केंद्र है तो इसके लिए हमने 2 हॉल्स में काउंटिंग रखी है बालाघाट के लिए। कुल यहाँ पर जो ईवीएम गणना होगी वो 18 टेबल्स में होगी और 3 टेबल्स पे हमारे डाक मतपत्र की गणना। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं सबसे पहले मेरे साथी साहब का स्वागत करना चाहूंगा, सभी मेरे साथी अधिकारी जिला पंचायत साहब एडीएम साहब सभी रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन का पूरा बड़ा उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। आप लोगों को जैसा कि पता है 3 दिसंबर को हमारी सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के संबंध में जो दल हमारे मतगणना के दल बनाए जाने हैं वो हम उनकी एक ट्रेनिंग हो चुकी है उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग दल है परसों उनको रैंडमाइज किया जाएगा ऑब्जर्वर्स के सामने और उनको टेबल अलॉट की जाएगी जो कि मतगणना की कार्रवाई करेंगे। साथ ही प्रत्येक जो मतगणना का टेबल है चाहे वो कंट्रोल यूनिट का हो चाहे पोस्टल बैलेट का हो डाक मतपत्र उन पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं मतलब जो केंद्र सरकार के क्लास 3 एंड अब के जो कर्मचारी हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय है जवाहर नवोदय विद्यालय है LIC है बैंक है
इनके अधिकारी जो है हर एक लेवल पे माइक ऑब्जर्वर के रूप में रहेंगे, जो कि इस प्रक्रिया को देखेंगे और ये भी रिपोर्ट करेंगे ऑब्जर्वर साहब को कि प्रक्रिया जो है वो नियम के अनुसार चल रही है। हमारे प्रत्येक विधानसभा में एक प्रेक्षक रहेंगे, जो विधानसभा के पूरी माउंटिंग जो प्रक्रिया है उसको ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे करने का लिए। तो चारों ऑब्जर्वर जो है अलग अलग तरीके से आए हैं अपने देश के और सभी जो है लगभग वहीं से आप होंगे, उसी रेट से आप होंगे एडमिट है। पूर्व में भी मेरे ख्याल से रूम वही रहा है, तो रूम आप लोगों को पता ही है, रूम में रूम तक आप लोग जाएंगे। आप लोगों को बाकी लोगों को मोबाइल अलाउड नहीं है परिसर के अंदर, मतलब आप लोगों को मीडिया रूम तक आप मोबाइल ले जाते हैं, पर उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की दिन वहां ना हो के अनावश्यक उसकी वजह से मीडिया रूम है उसमें हम टीवी एक लगा रहे हैं, तो मेरे पास चार्जिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ाने की डिमांड आई थी, बहुत दिक्कत होती है चार्जिंग पॉइंट हम लोग बढ़ा लेंगे। तो अपना आप मतलब जो आपको और कोई सामग्री अदरवाइज आ रही हो तो अपना मोबाइल चार्जिंग और चार्जर और मोबाइल और ये जो है आप मीडिया रूम तक ला, जो मीडिया रूम से और काउंटिंग हॉल तक जाने की जो व्यवस्था है वो पी आर ओ आपको कंपनी करके ले जाए बैचेज में चार लोग गए साथ उनके साथ गए और काउंटिंग हॉल में एक हमने निर्धारित जगह बना रखी, मान लीजिए जहाँ कर रहा है वहाँ पर एक लाइन लाल तरह की लाइन हमने बोले बना रखी, वहाँ तक आप लोग एंटर करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अपनी कर सकते हैं। मोबाइल से जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है वो कैमरा से हो, मोबाइल मीडिया से बाहर वो थोड़ा सा आप लोग को सुनिश्चित करना है। इसलिए मैं पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास दो वाली कैमरा नहीं है तो अपने साथी को लेने, अगर फोटो लेने हैं तो बाकी जो हमारे ऑफिशियल वो है उनसे भी फोटोग्राफ वगैरह लेके हम लोग ये विशेषता ध्यान रखें। एक तो एंट्री के समय का है, आप ज्यादा लेट आएंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग लोग बने होते हैं, इसलिए हम उसमें कर सकेंगे, इसलिए समय से आपको एंट्री कर सकते हैं। अपना आई डी कार्ड जो हमने यहाँ से पास आपको जारी किया है आपको मिल गया तो वो कृपया ले उसके बिना नहीं, अगर आप कहीं था वो हम भूल गए तो वो फिर दिक्कत वो एंट्री के लिए वो पास है तो पास बाकी ऑब्वियसली आप लोगों से भी अपेक्षा है कि जब आप लोग वहां जाएंगे तो निष्पक्ष कवरेज करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर हॉल में गए किसी भी प्रकार का हो और काउंटिंग हॉल में जो निर्धारित सीमा है वहीं तक रुपया जाए उससे अंदर क्योंकि वो अलाउ नहीं, काउंटिंग टेबल के पास नहीं जा सकता कोई भी नहीं जा सकता, वो ध्यान रखेंगे कि वो गलती अपन ना करें फिर वहां विवाद की स्थिति। जो रिजल्ट वगैरह जो भी राउंड वाइज हमारे तो जैसे ही अनाउंस होंगे वो हम आपके यहाँ भी उसी की कॉपी हम यहाँ पर आपके यहाँ उपलब्ध, जस्ट बाहर ऐसे कोई विजिट नहीं है जो अनाउंसमेंट है ना सुनाई दे, तो हमारी भी अपील सभी लोगों से ये है कि जो रिजल्ट है वो काउंटिंग एजेंट और अभ्यर्थियों के सामने होगा और पब्लिक के लिए भी हम अनाउंस करेंगे और मीडिया के माध्यम से पब्लिक में जाएगा, पर कोई भीड़ इकट्ठी ना करें, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग रखेंगे। अगर जवानी खिलाफ अगर ऐसी स्थिति लगती है कोई उसके बाद भी अगर वो उसको तोड़ना चाहेंगे फिर हम उस हिसाब से, पर लोगों से अपील है कि भाई वो अपनी जगहों पर निर्धारित जगहों पर रखा तो पूरी तरह सामान्य तौर पर तो सारा रिजल्ट टीवी के माध्यम से लोग देखना पसंद करते हैं, कुछ उत्साही समर्थक रखते हैं जिनका एक अमीर की समाहर भी जीत रहा है वही लोग आते हैं, मेरा जो अनुभव है अभी तक का वही लोग मुद्दा आते हैं मतदान करना स्थल पर, वो भी दोपहर के बाद ही आना शुरू होंगे क्योंकि जब रुझान उठान उनको भी लगे हमारा कंट्री जीत रहा है, तो उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था लगी हुई है, हर गेट तो लगी हुई है, कहीं कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ हमने कोई कोई अधिकारी लगाया है, तो सभी लगाया और सबके लिए बढ़िया सारी बना हुआ है सारा सब कुछ है प्रशासन लगवा रखा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर कट है, पढ़ने के आदमी चाहता है एंट्री वगैरह करने कोई बात नहीं,
और सारी चीजें बड़ी प्रॉफिट करने के लिए, और आप लोगों के लिए है कहीं कोई समस्या ये आती है आपको कोई चीज, तो हम आपको किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से आप बता देंगे साथ हो रहे कि हमको रोक रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम का डाउट होगा। और जहाँ भीड़ हो रहा है तो चुनाव एक बड़ा उत्सव है होकर, तो अगर कोई साइड होकर आस पास आ जाता है तो ठीक है, हमको अनियंत्रित नहीं होने देंगे, हमको अनुशासित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोकतंत्र का उत्सव है तो लोगों की भीड़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि लोग आ नहीं सकते, लेकिन आक्रोश है जब होगा तो उसके लिए भी हमें सारे बंद नहीं किया है, कुछ बंद कोई तैयारी के साथ हम इसी तारीख में लगाएंगे, जो अपना कॉन्टिन्यू था अड़तालीस का बाउंड्री पार है उसी इलाके के बाहर वो लगातार कोई बाउंड्री घूमने की कोशिश करेगा उसकी व्यवस्था करती है, जहाँ अपने देशों से पोलिंग एजेंट की एंट्री होगी वो चार बाउंड्री पार ले हैं, अगर वहाँ से कोई चुटकी आने की कोशिश करेगा उसको फिर हम उसके खिलाफ एक सौ इक्यावन की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि तो चीज गलत है तो चीज बनी है तो कि सुरक्षित है, जो मानी की अच्छी एजेंटों वाले रोड से आप लोग नहीं जा सकते, उनका सतर्क हो गया आप लोगों का शासकीय अधिकारी वाला भी आप लोग है, अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा जो हम जन सुरक्षा के रूप से हमारे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आवेदन बनी कोई समस्या नहीं है, और आप लोगों को भी कोई समस्या नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ उसकी साइड से, और हमें आप लोगों को जानने से मिलने वाले अधिकारी की राजनीति बनाई है जिससे आप लोग क्लियर हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और कोई भी जरूरत होगी हम लोग वहाँ होंगे, आप मदद करेंगे अधिकार की, और ऊर्जा की व्यवस्था लगा दी गई है, आप कोई समस्या नहीं की नहीं सभी अधिकारी हैं, हाँ चुनाव में कल आज अभी अध्यक्ष भी आए थे, तमाम प्रतिनिधि आए थे, उन्हें बता दिया था कि 5 तारीख तक एनसीसी लागू है और आचार संहिता भी प्रभावशील है और 144 तक प्रभावशील है, तो बिना किसी हिम्मत का तो कुछ नहीं निकालेगा, तो निकालेगा तो उसके खिलाफ जो है एनसीसी डायरेक्शन और कम करना है, तो हम सबको बताया है कोई रूल्स वगैरह निकालना है उसकी भी जरूरत है, उसमें प्राप्त करेंगे ये सारी चीजें समझाई गई है, तो हम दूर से मिलेगा तो दूर से कहता है वो जनता ना करें इसको चुनिंदा लगाए क्योंकि अगर सारी व्यवस्था उन सालों और कानून के मुताबिक आई है पूजा की व्यवस्था तो 3 तारीख की व्यवस्था और 4 तारीख की जुलूस वगैरह कराएगा दोनों को व्यवस्थित तरीके से संपादन कराएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी को इलाके में उनको मिलता है, उनके सर शासकीय कर्मचारी आने को शासकीय कर्मचारी है, आप लोग भी आगे जाकर वहाँ आराम से खड़ा कर सकते हैं, यह कहते हैं कहीं कोई समस्या नहीं आनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आने का पढ़ाई कर सकते हैं। मैं तो आगे हमने जिस चीज में भी सबसे की है उसको बता दूंगा, ऐसे लोगों का कोई बोलने की समस्या नहीं है, और कई लोग इस चक्कर में भी आते हैं गाँव हम बस कोई भी ये जानकारी तो उसे पुलिस कर्मी जो अंदर लगे हैं उन्हीं को कार्ड नहीं दिया है, अंदर नहीं है तो उसको कार्ड हमने नहीं दिया है, अनावश्यक
कोई भी किसी को
जिला पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी दोनों के द्वारा बताया गया किस तरीके की व्यवस्थाएं चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे मतगणना के दिन 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। 3 दिसंबर को किस तरीके की यहां पर व्यवस्थाएं रहेंगी रविवार को, इस बारे में जानकारी उनके द्वारा दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर दोनों के द्वारा उनके द्वारा बताया गया कि कहां पार्किंग होगी, कितने बजे कौन प्रवेश कर पाएगा, मीडिया की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। आप लाइव अपडेट देखने के लिए अगर आपको देखने हैं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं, और वैसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस बात का प्रयास करेगी कि आपको पल पल की जानकारी सिवनी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों की मुहैया कराई जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्थाएँ दिख रही हैं शहर के अनेक स्थानों पर, आपको आपकी सुलभ संदर्भ सुलभ जानकारी के लिए स्पीकर्स लगाए जाएंगे और जो चिन्हित किए गए स्थानों पर स्पीकर्स लगाए जाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश आम जनता को, जो अधिकृत हैं उनके अलावा अन्य लोगों को वहां प्रवेश वर्जित रहेगा। एक मातुश्री के सामने वाला द्वार से प्रवेश अभिकर्ताओं का होगा और शेष दो जो जेडी कॉलोनी वाला सिरा और पुराने आरटीओ वाले सिरे से अधिकारी और मीडिया पर्सन्स आ जा सकेंगे। पार्किंग की व्यवस्था पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान, खेल के मैदान में की गई है, और पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये भी बताया गया कि इस दौरान अगर कोई दीवार फांदने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए इस बार मतगणना काफी पारदर्शी तरीके से होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।